व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अवचेतन की अवस्था को प्राप्त करता है, जैसे स्वप्न, क्रोध, निद्रा, नशा आदि। इन अवस्थाओं और परिस्थितियों में चिंतन शक्ति क्षीण हो जाती है और व्यक्ति निरर्थक कार्य करने लगता है। परंतु स्वयं विचार करिए, अगर इस प्रकार की व्यवस्था में कोई राष्ट्र पहुंच जाए तो क्या यह लज्जाजनक नहीं है? अब स्थिति को अधिक जटिल न करते हुए ये बता दे कि इस अवस्था को जिस राष्ट्र ने सर्वप्रथम प्राप्त किया है वह है चीन। आपने फिल्म उरी तो देखी ही होगी और उस फिल्म का चर्चित डायलॉग भी आपको याद होगा। दरअसल भारतीय सेना जहाँ राष्ट्र प्रेम के जोश में हाई रहती है, तो वहाँ आजकल चीन सिर्फ हाई रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके इस हाई अवस्था के पीछे तिब्बत में पाई जाने वाली बूटी है, जहाँ वो गलवान में मार खाने को बैठे थे। उनके इस अवस्था का कारण जो भी हो, पर उनके कृत्य काफी हास्यास्पद है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराता हूँ कि कैसे चीन बौखलाहट में अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांवों को अपने नाम देने पर उतर आया है और कैसे भारत को इसका जवाब अपने अनोखे शैली में देना चाहिए। तो अविलंब आरंभ करते हैं। चीन नया सीमा कानून लागू करने वाला था, परंतु उससे दो दिन पहले चीनी सरकार ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के नाम बदल दिए। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके पास अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों के लिए मानकीकृत नाम है, जिनका उपयोग चीनी मानचित्रों पर किया जाएगा। यह दूसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदले हैं। बहुत पहले 2017 में चीन ने 6 स्थानों के नाम बदल दिए थे। 23 अक्टूबर को चीन के शीर्ष विधायी निकाय नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने देश के भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण का हवाला देते हुए एक नए कानून को पारित करवाया। अब समिति ने कहा था कि नया कानून 1 जनवरी से लागू होगा। ये कानून विशेष रूप से भारत की सीमा के लिए नहीं है। चीन भारत सहित 14 देशों के साथ अपने 22,457 किलोमीटर भूमि की सीमा साझा करता है, जो मंगोलिया और रूस के साथ सीमाओं के बाद तीसरी सबसे लंबी है। अब नए सीमा कानून के अंतर्गत 62 अनुच्छेद और 7 अध्याय हैं। इस कानून के अनुसार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपनी सभी भूमि सीमाओं पर सीमा को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने के लिए सीमा चिन्ह स्थापित करेगा। संबंधित पड़ोसी राज्य के साथ समझौते में मार्कर का प्रकार तय किया जाना है। इस नए कानून के अंतर्गत चीनी सेना और उस क्षेत्र के अन्य अधिकारी चीन के कपोल कल्पित सीमा की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। वो न सिर्फ इस काल्पनिक क्षेत्र में होने वाले किसी भी गैर कानूनी गतिविधि, तस्करी, सीमा उल्लंघन एवं अतिक्रमण निषेध के लिए जिम्मेदार हैं, अपितु वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि वे यहाँ के निवासियों में चीनी राष्ट्रवाद की अलख जगा सके। वैसे हम दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं, चीन के इस नवीनतम कानून के संदर्भ में उपर्युक्त कथन पूर्णतः काल्पनिक रहे हैं। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी व्यक्ति सीमा या स्थान से समानता सिर्फ संयोग मात्र है। ऐसा लगता है कि या तो गलवान में भारतीय सेना से मार खाने के बाद या फिर तिब्बत में मौजूद किसी विशेष बूटी के सेवन पश्चात चीनी सेना काफी हाई हो चुकी है और चोटी एवं नशीली आंखों से अरुणाचल विजय का स्वप्न देखते हुए अवचेतन अवस्था में उन्होंने ये कानून पारित कर दिया। हालांकि मदहोश साम्यवादी सरकार द्वारा पारित इस हास्य पुस्तक पर उत्तर देना तो आवश्यक नहीं था, परंतु कूटनीति की भी अपनी सीमा होती है भैया। अतः विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थानों को आविष्कृत नाम देने से वह तथ्य नहीं बदलता है। साधारण भाषा में कहे तो भारतीय सरकार ने उन्हें कम फूकने और होश में आने की चेतावनी दी है। अब शायद चीनियों को यह बात पता नहीं है कि हम भारतीय नामकरण के मामले में उनसे मीलों आगे हैं। विद्यालय में दाखिला के लिए 2 दिन नहीं होते कि हम अपने मास्टर जी तक का नामकरण कर देते हैं। हम अड्डा अड्डों से लेकर खान पान तक के भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं, इतना भिन्न कि अंततः उस व्यक्ति, वस्तु और स्थान का वास्तविक नाम ही लोग भूल जाते हैं। जिस देश में 2 कोस से बदले पानी, 4 कोस से बानी की रीति चलती हो, उस देश में आप नामकरण से ललकारने चले हो। चीन को यह बात स्पष्ट समझनी होगी, अन्यथा वह दिन दूर नहीं
जब क्रोध में आकर योगी आदित्यनाथ जैसे लोग बीजिंग को बाजीरावपुर, शंघाई को शिवाजीपुर और वुहान को विष्णुपुर कर देंगे और फिर एक दिन शी जिनपिंग भारत के दौरे पर आएंगे तो लोग ये भी कहेंगे, नमस्कार, बाजीरावपुर से शासक जीवन सिंह पधारे हैं।